मंगलवार तड़के मार्गी नगर चौक में ट्रक और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में दो मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हुई है तो दो मजदूर गंभीर घायल है। बोलेरो में मजदूर सवार थे। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मजदूरों को लेकर जा रहे बोलेरो को तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार धड़क दी। घटना मंगलवार सुबह 7 बजे मार्गी नगर चौक पे हुई है। मृतक नागपुर शहर के चौक चौक में प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री करने वाले छोटे व्यवसायी हैं, जो मध्य प्रदेश से नागपुर में आकर व्यवसाय से अपना पालन पोषण करते हैं। फिलहाल नागपुर के खापरी में रह रहे इन छोटे व्यवसायियों में करीब 12 जन व्यवसाय के लिए बोलेरो में बैठकर शहर की ओर आ रहे थे कि मार्गी नगर चौक में एक टिप्पर के चपेट में बोलेरो आ गई। एक धड़क से बोलेरो पिकअप ने पलटी खाई। इस घटना में दो जनों ने जगह पर ही दम तोड़ा तो दो जन गंभीर घायल है। आज सकाळी 7 वाजता एक बोलेरो पिकअप गाड़ी है, त्याचा नंबर आहे MP14GB1332। ये मानेवाडा चौकाकडून दिघोरी चौकाकडे जात असताना माळगी नगर चौकामध्ये आले असता त्याचवेळी माटेवाइन शॉपकडून एक टिप्पर आहे, त्याचा क्रमांक आहे MA36A1595। हा माळगाव नगर चौकामध्ये बरोबर मधोमध या टिप्परने सगळं बोलेरो पिकअपला आडवी डॅश मारलेले, सगळं बोलेरो पिकअप जी आहे ती पलटी झाली आणि त्याच्या मागे जे बसलेले प्रवासी होते ते जवळजवळ 12 प्रवासी होते, त्यातील सर्व प्रवासी जखमी झालेले आणि ते प्रवासी बाहेर फेकले गेल्यामुळे त्यांना मार लागलेला आहे। त्यातील दोन प्रवाशांचा मृत्यू झालेला आहे। त्यांचं नाव आहे राहुल पंची बंजारा, वय 25 वर्ष, ग्राम ढाबा मंदसोर MP येथे राहणार आहे आणि दुसरा जो आहे तो भैरूलाल कारूलाल गौड, ग्राम परपडा जिल्हा मंदसोर MP येथे राहणार आहे। त्यांना मेडिकलमध्ये भरती केलेलं आहे। सर्वांना, सर्व जखमींना त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत आणि सदरचा जो ट्रक चालक आहे त्याला पकडलेला आहे, तो आमच्या ताब्यात आहे आता सध्या। आणि ट्रक ही जखमी अपघातातील ट्रक आणि बोलेरो पिकअप दोन्ही पोलीस स्टेशनला आणलेले। सर्वजण जे आहेत ते प्लास्टिकचे सामान विक्री करणारे सर्व जे प्रवासी होते, त्यांचं प्लास्टिकचं सामानही त्या बोलेरो पिकअपमध्ये होतं आणि ते मोठा ताजबाग आणि कामटी या परिसरात फिरून ते प्लास्टिकचं सामान विक्री करतात। ते ओरिजिनल सर्वजण MP राहणार आहेत पण गेल्या 2 महिन्यापासून हे व्यवसायाच्या निमित्ताने ते खापरी येथे राहत आहेत। घटना के बाद हुडकेश्वर पुलिस ने दुर्घटना का जायजा लेकर मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जख्मियों को उपचार के लिए मेडिकल में दाखिल किया गया। फिलहाल इस घटना में टिप्पर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अपघातग्रस्त दोनों वाहन पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हैं। गौरतलब रहे कि बोलेरो में सवार 12 प्रवासी मध्य प्रदेश निवासी है। वो व्यवसाय के लिए नागपुर के चौराह पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री कर अपना गुजारा करते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।